आज 11वां व्रत परिपूर्ण पौषध व्रत की बात आज से शुरू होगी। चार शिक्षा व्रत ये ट्रेनिंग के हैं, समय की रोज की 48 मिनट की ट्रेनिंग है। देशावकाशी ये सभी अपने सामान्य जीवन में रहते हुए स्वयं को ट्रेनिंग की बात है, और पौषध ये ट्रेनिंग है अपने रूटीन चर्या से हट करके मैक्सिमम एक 24 घंटे के लिए 8 प्रहर के लिए कम से कम स्वयं का एक ऐसा पोषण करना, और वो पोषण को ही पोषण कहते हैं, पोषह पोषण करना। शरीर का पोषण कर लिया, कर्म का पोषण कर लिया, परिवार का पोषण कर लिया, तिजोरी का पोषण कर लिया, सत्ता का पोषण कर लिया, लेकिन जिनका भी पोषण किया है उसने तुमको पुष्ट नहीं किया है। पोषण तो दिया धन को, लेकिन स्वयं निर्धन बन गए। सत्ता का पोषण किया लेकिन स्वयं सत्ता शून्य हो गए। परिवार का पोषण किया लेकिन स्वयं शून्य हो गए। यह सत्य जिस समय ज्ञात होता है, यह अनुभूति जिस समय प्रबलतम हो जाती है, उन पलों में जो साधना संपन्न हो सकती है उसको कहते हैं पौषध व्रत की साधना। बहुत सारे चरित्र, बहुत सारे प्रसंग पौषध को लेकर के अलग अलग सामने आते हैं। प्राय जब भी पौषध की बात सामने आती है तो श्री कृष्ण वासुदेव याद आते हैं, अभय कुमार याद आते हैं, भरत चक्रवर्ती याद आते हैं। इन्होंने जो पौषध किया वो याद आता है। अनंत श्रावक का पौषध याद आना बहुत जरूरी है, 10 श्रावकों का पौषध याद आना जरूरी है, लेकिन याद आता है अभय कुमार का पौषध, जो उन्होंने अपने मित्र देवता को बुलाने के लिए पौषध किया। याद आता है श्री कृष्ण वासुदेव का पौषध, जो 24 प्रहर यानी 3 दिन का तेले के साथ पौषध था। श्रीमती में आता है भरत चक्रवर्ती के षटखंड विजय यात्रा के समय किए हुए पौषध। उस पौषध की बाहर की प्रक्रिया इक्वल है, ध्येय अलग है। इसलिए श्री कृष्ण वासुदेव को हम कहते हैं कि नौकर्षि का तप नहीं कर सकता है, और उस समय प्रश्न आता है फिर तेला कैसे किया। अंतर केवल इतना ही है, नौकर्षि से लेकर तो 6 मासे तक का तप हो जाए, और उसका लक्ष्य यदि आत्मशुद्धि है तो वो तप में है, और उसका लक्ष्य यदि संसार का पोषण करना है, किसी भौतिक वस्तु की पूर्तता करना है, तो बाहर के स्ट्रक्चर से तो उसको पौषध कहते हैं, लेकिन अंतरंग उसका पौषध का नहीं होता है। वहीं से बात शुरू कर रहा हूं कि संसारी व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति है, उसके सामने कई बार समस्याएं भौतिक जीवन की आती है, पारिवारिक जीवन की आती है, सामाजिक जीवन की समस्या उसके सामने आती है, और ऐसा उसको लगता है कि इन समस्याओं का समाधान मैं अपने बल पर नहीं कर सकता, मेरे बुद्धि से नहीं कर सकता, मेरी सत्ता से नहीं कर सकता, मेरे शरीर के सामर्थ्य से नहीं कर सकता। ऐसे समय में किसी की सहायता प्राप्त करना, देवताओं की सहायता प्राप्त करना,
देव भक्त बने बिना देवताओं का सामर्थ्य प्राप्त करना, वाक्य को फिर ध्यान में रखना। देवों की भक्ति करे बिना भी देव से सहायता प्राप्त करना, देव पूजा किए बिना भी देव का सामर्थ्य प्राप्त करना, बिना आरती करे, बिना भजन करे देवों से सहायता प्राप्त करना, बिना मंदिर में गए देवता को अपने पास बुलाना। एक रास्ता होता है देवता के पास जाने का, एक रास्ता होता है देवता को अपने पास बुलाने का। ये जो तीन नाम आपके सामने लिए हैं, ये तीनों नाम अभय कुमार हो, भरत चक्रवर्ती हो, श्री कृष्ण वासुदेव हो, ये किसी मंदिर में नहीं गए, किसी यक्षायतन में नहीं गए, वो पोषशाला में पहुंचे। भरत चक्रवर्ती तो अपने सेना के छावनी में पोषशाला बना लेता है, और पोषशाला का जो बाहर का सारा स्ट्रक्चर है, समझे पहले इसको कि तीन दिन के लिए वो बैठे हैं चौविहार का त्याग कर करके, अब शरीर का पोषण नहीं होगा, अब शरीर को कोई आहार नहीं दिया जाएगा, शरीर को कोई पानी नहीं दिया जाएगा, और शरीर को आहार न देने का मतलब है कि मैं शरीर की सारी जवाबदारी से मुक्त हो गया, अब शरीर की मैं सार संभाल नहीं कर रहा। और ये शरीर की सार संभाल न करना, क्योंकि एक समय पर एक ही मोर्चे पर अपनी एनर्जी को लगाया जा सकता है। पहला है कि चौह्यम प्याहरम पचकामी, चाहे वासुदेव हो, चाहे अभय कुमार हो, चाहे भरत चक्रवर्ती हो, पहला क्रम वहां पर ध्यान में रखिए कि आहार छोड़ने का मतलब है अब शरीर की चिंता से मुक्त हो गया, अब शरीर की मैं सेवा नहीं करूंगा, शरीर को मैं नहीं संभालूंगा, अब मैं केवल मेरे ध्येय को संभालूंगा, और फिर बाकी सारा पचकान है अबंब सेवन का पचकान, मैं वासना का खेल नहीं खेलूंगा, वासना के दरवाजे बंद कर रहा हूं, भोग से मुक्त हो रहा हूं, आहार से मुक्त होना आसान है, और आहार से मुक्त होने के बाद विषय से मुक्त होना, वासना से मुक्त होना, पोषशाला में जाने के बाद कि बाहर का कोई संसर्ग नहीं है, लेकिन अबंब सेवन का पचकान, इसका मीनिंग होता है कि आप मेरे मन में, मेरी काया में, मेरे चिंतन में कहीं पर भी अब्रह्म का स्पंदन नहीं होगा, वासना का विकार का कहीं स्पर्श नहीं होगा। क्यों? अपने आहार के तरफ एक दृष्टि से देखा है, आपको लगता है कि आप रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखना जब भी आप लेते हैं तो लेने के पहले अपनी एनर्जी वहां इन्वेस्ट करनी पड़ती है, चाहे मन से, चाहे आंखों से, चाहे हाथों से, बिना अपनी शक्ति वहां लगाए, बिना अपना उपयोग लगाए, बिना एनर्जी लगाए कहीं से भी आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हो। आहार ग्रहण आपको दिखता है, लेकिन आहार ग्रहण करते समय जो अपनी शक्ति वहां लगाते वो नजर नहीं आती है।
भोगी को लगता है कि मैं भोग भोग रहा हूं, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि वहां उसकी शक्ति कितनी लगा रहा हो, कितना अपने शक्ति का व्यय करता है, कितनी अपनी ऊर्जा वेस्ट करता है। और वो ऊर्जा न केवल शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर भी, अंदर के तेजस्वी के स्तर पर भी। और वो शक्ति का बाहर जाने का रास्ता बंद करना है। प्रत्याख्यान का मीनिंग है दरवाजा बंद। दरवाजा जब बंद होता है तो आना भी बंद होता है, जाना भी बंद होता है। बाहर जाएगी नहीं अब ऊर्जा, किसी एक मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि ऊर्जा का संचयन करना, ऊर्जा को सुरक्षित करना, ऊर्जा को केंद्रित करना। जो लीकेज है उसके, जहां से ऊर्जा बाहर जाती है, जो उसके बहुत हैबिचुअल रास्ते हैं, हैबिचुअल कैरेक्टर है। हैबिचुअल कैरेक्टर का मीनिंग होता है कि वो करने के लिए आपको चिंतन नहीं करना पड़ता है, आदत लग गई है, आहार की आदत लग गई है। आहार करने के लिए किसी को सोचना नहीं पड़ता, उपवास करने के लिए लोग सोचते हैं, व्रत लेने के लिए लोग सोचते हैं, अव्रत के लिए लोग सोचते नहीं है, क्योंकि आदत लग गई है उसकी। और उस अव्रत में जाने वाली स्वयं की जो शक्ति है, पहले उसके दरवाजे बंद कर दिए। माला वन्न विलवन का पचकार, अब शरीर का संसार नहीं करना है, पोषण भी नहीं करना है और संस्कार भी नहीं करना है। सावज्य सावध्य योग सेवन का पचकार, ये सारे पचख्यान की तरफ यदि देखोगे तो उसका अर्थ पहला ध्यान में रखना है कि अब मेरा ज्ञान, अब मेरी श्रद्धा, अब मेरी शक्ति, अब मेरी अनुभूति, अब मेरा उपयोग, अब मेरा योग, मेरा सामान्य उपयोग, मेरा विशेष उपयोग, मेरी संवेदना की शक्ति, मेरी चैतन्य की शक्ति अभी उधर नहीं जाएगी। ये सूत्र खुल रहा है तुम्हारे सामने कि कैसे देवता नीचे आते हैं। जम्बुद्वीप पनपति में भरत चक्रवर्ती के तेले का सारा जिक्र गया पौषध का, और वो एक तीर छोड़ते हैं, चाहे वो गंगा देवी हो, चाहे सिंधु देवी हो, चाहे कोई देव हो, वो तीर सीधा वहां पहुंचता है। वो तीर कौन सा है? वो तीर धनुष से छुटा हुआ तीर नहीं है, वो कमान से छुटा हुआ तीर नहीं है, वो अंदर के संकल्प शक्ति का एक तीर है। और वो तीर वैसे अभय कुमार का है, वैसे श्री कृष्ण वासुदेव का है। अगला शब्द है उनके लिए कि पौषध में करते क्या थे वो, और श्रावक ने पौषध में क्या करना ध्यान में रखना। उन्होंने जो किया वो श्रावक ने नहीं करना है। अभय कुमार ने अपने मित्र देवता को मन में धारण किया, मनसी करे माने, मनसी करे माने, मनसी करे माने। श्री कृष्ण वासुदेव ने हरिनिगमी से देवता को अपने मन में धारण किया, मनसी करे माने, मनसी करे माने, मनसी करे माने। और जैसे जैसे उसको मन में धारण करते हैं, उसका रूप, उसका क्षेत्र एक मैसेज जाना शुरू हो जाता है, जिसको आप वायरलेस सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम लेस सिस्टम है, इसका संबंध केवल मनो और द्रव्य वर्गना के साथ है। और ये मनोद्रव्य वर्गना का, क्योंकि मन की गति प्रकाश से भी जाता है,
प्रकाश के भी गति ज्यादा किसी की तो मन की गति है। और इसलिए कहते कि मन ये पदार्थ नहीं बन पाता है, उसकी द्रव्य वर्गना के परमाणुरूप भाव मन और भाव मन के माध्यम से लेने वाले मनोवर्गना के पुद्गल और उनको निरंतर वो भेजता जा रहा है, मैसेज चला जा रहा है, रिंग कंटिन्यू जा रही है, 72 आवर्स कंटिन्यू रिंग जा रही है। जैसे आप मोबाइल का नंबर घुमाते हो ना, कॉल करते हैं तो आपके कॉल के अलग सिस्टम है कि आपका कॉल यहां से सैटेलाइट में जाता है, सैटेलाइट से फिर वो जहां जाना वहां जाता है, लेकिन यहां कोई बीच में सैटेलाइट नहीं है, यहां सीधा जाता है और वो कॉल निरंतर जाते रहता है, निरंतर जाते रहता है। कि आप मन की सारी शक्ति केवल उसी में लगी हुई है और देवता का आसन हिलता है, हरि निगमेश का हिला है, अभय कुमार के मित्र देवता का हिला है, वो मित्र देवता था, वो कुल देवता भी नहीं था, वो कुल देवी भी नहीं थी। हरि निगमेश कोई श्री कृष्ण वासुदेव का कुलदेव नहीं है, वो पितर भी नहीं है। और ध्यान में रखना ये सारे चक्रों से बाहर निकलो, ये पितर दोष और पितर दोष कुछ नहीं होता है, दोष होते हैं तो केवल अपने कर्म के दोष होते हैं, अपने सोचने के दोष होते हैं, और वो दोष वहां से खुले हो सकते हैं। यहां तो जो जीव चला गया वो अगले पल में अपने नए भव में, नए शरीर में, नई दुनिया में रम गया, उसको याद भी नहीं आती यहां की, वो सारा पिछले जन्म का प्रेम वहां संक्रमित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, अगले पल उसको याद नहीं आती, याद होती या आप इधर याद करते हैं। वो जीव जो वहां गया गया, जहां भी गया, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीप चंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।